इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR लिख गई है। जी हां, काफी समय से महिला पहलवानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बृजभूषण के खिलाफ अभी तक FIR क्यों नहीं लिखी गई है, लेकिन FIR लिखने के बाद एक और जहां महिला पहलवानों का ये कहना है कि अब वो चाहती हैं कि इस मामले में सजा बृजभूषण शरण सिंह को हो। लेकिन एक खबर ये निकल कर सामने आई है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की सांसदी जा सकती है और क्या अब संसद सदस्यता उनकी चली जाती है, तो ये सरकार का एक बड़ा कदम होगा। ध्यान से सुनिएगा, कुछ वक्त पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर बोला था। तो अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है तो बृजभूषण शरण सिंह की संसद सदस्यता खत्म होने में क्यों विलंब किया जा रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि महिला पहलवानों को देश भर के कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही साथ ये खबर भी निकल कर सामने आई है कि देश की जनता इस वक्त महिला पहलवानों के साथ खड़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह खुद ब खुद ये कह रहे हैं कि मैं अपनी संसद की सदस्यता भी छोड़ दूंगा, सांसदी का पद भी छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त है महिला पहलवान वापस लौट जाएं अपने अपने घरों को। तो क्या अगर बृजभूषण शरण सिंह की शर्तों को महिला पहलवान मान लेती हैं तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह क्या वाकई सांसदी छोड़ अपने संसद पद से इस्तीफा दे देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई मोदी सरकार में यह अब तक का सबसे बड़ा कदम भी होगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।